आज से लगभग 60 बरस कबल जुलाई के महीने में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत से बगावत और गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत सुनाई जाने वाली सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद हुआ था। सजाए मौत पाने वाले 7 अफराद में से एक नौजवान शख्स की मैयत जब उसके बूढ़े वालद के पास आखिरी दीदार के लिए लाई गई तो बाप ने बेटे की ढलकी हुई मूछों को अपनी उंगलियों से ताव देकर ऊपर कर दिया। फांसी चढ़ाए जाने वाले नौजवान के ये बूढ़े वालद भी जेल में बगावत और गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। क्याम पाकिस्तान के बाद साबक फौजी सदर अयूब खान के दौर में एक ही दिन में 7 अफराद को फांसी देने का ये पहला वाक़या था। इनमें से 4 अफराद को हैदराबाद जेल जबकि 3 को सख्त जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया था। मजमू तौर पर ये 8 अफराद को एक फौजी अदालत से बगावत और मुल्क से गद्दारी की सज़ा हुई थी, लेकिन चूंकि इनमें से एक शख्स बूढ़ा वालद की उम्र सजा सुनाए जाने के वक़्त 85 साल से ज़ायद थी, इसलिए उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर और अदीब प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी का कहना है कि फांसी चढ़ाए जाने वाले वो लोग थे जिनको मुज़ाकरात के लिए पहाड़ों से उतारा गया और बाद अज़ां गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर शाह मरी के मुताबिक इस बुज़ुर्ग शख्स ने फांसी पाने वाले अफराद की लाशों को जेल के मरकज़ी दरवाजे से हवाले करते वक्त कहा था, लोगों को बता दें वो इनकी मौत पर मातम न करें बल्कि ऐसी खुशी का इजहार करें कि जैसे उनकी शादी हुई हो। फांसी पाने वाले ये तमाम अफराद एक ऐसे शख्स की क्यादत में जद्दोजहद कर रहे थे जो इंतहाई ज़ईफ़ थे। फांसी पाने वाले अफराद कौन थे, इनकी तफसीलात आगे चलकर बयान की जाएंगी। पहले एक नज़र मुसल्ला कार्रवाइयों की क्यादत करने वाले ज़ईफ़ बलोच रहनुमा के हालात ज़िंदगी पर डालते हैं। उनका नाम नवाब नौरोज़ ख़ान ज़रकज़ई था, जिन्हें बलोच अवाम एहतराम के बायस बाबा नौरोज़ के नाम से याद करते हैं। वो सन 1875 में ज़िला खुजदार की तहसील जहरी में सरदार पसंद खान ज़रकई के यहाँ पैदा हुए। ज़रकज़ई बलोचिस्तान के एक मरूफ और बड़े कबीले जहरी की शाख है। किताब नवाब नौरोज़ और उनके साथी में मुसन्नफ़ कामरेड फ़कीर लिखते हैं कि नवाब नौरोज़ एक मुनकसर अलमजाज और सादा तबीयत के इंसान थे, लेकिन बाद मामलात में सख्त गिर और असूल पसंद थे। वो सन 1908 से सन 1910 तक सरकारी मुलाजम रहे, लेकिन जब उनके भाई नवाब मोहम्मद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करके मुसल्ला जद्दोजहद शुरू की तो उन्होंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। 6 साल तक वो अपने भाई के शाना बशाना कौमी आज़ादी की जंग लड़ते रहे और बाद में उन्होंने कलात असम्बली में बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ इलहाक की मुखालफत की और इस पर आखिरी दम तक कायम रहे। नवाब नौरोज़ की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बगावत की तहरीकों में गुजरा। वो सन 1914 से 1932 के दौरान मुख्तलिफ मुकामात और औकात में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीकों की रहनुमाई करते रहे, जिनके दौरान इन्हें मुतादिद बार अफगानिस्तान की सरहद अबूर करना पड़ी। उन्होंने मजमू तौर पर 9 बरस तक पूना, सखर, कोयटा, मच्छ, हैदराबाद, कोलू और सखर में कैद काटी। मस्कूरा किताब के मुताबिक वो पहली बार सन 1922 में गिरफ्तार हुए और इन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। सज़ा के तौर पर उन्हें काला पानी जजायर इंडियामान में भेज दिया गया था। ताहम बाद में इन्हें सखर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सखर जेल में उनकी मुल्ला मेहर नामी एक सिंधी के साथ दोस्ती हो गई जो कि जेल में धोबी थे। उसके अलावा 2 मजीद कैदियों से भी उनकी दोस्ती हुई। मुल्ला मेहर नामी शख्स नवाब नौरोज़ ख़ान की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। 3 साल जेल में रहने के बाद जब नवाब नौरोज़ उकता गए तो उन्होंने मुल्ला मेहर से कहा कि वो जेल से फ़रार होने में उनकी मदद करें। उन्होंने इस मकसद के लिए चंद गज़ मजबूत कपड़े की दरख्वास्त की। मुल्ला मेहर ने इंतहाई एहतियात से उनको 30 गज़ कपड़ा ला कर दिया, जिसके टुकड़े करके नवाब ने उनसे रस्सी और थैले तैयार किए। इन थैलों को मिट्टी से भर दिया और रस्सियों से मजबूत बांध कर जेल की अंदरूनी दीवार के करीब फेंक दिया। नवाब के इस मंसूबे का सिर्फ नवाब मुल्ला मेहर और 2 कैदियों को इलम था। धोबी का कमरा जेल के अंदरूनी दीवार के करीब था, जिस पर चढ़कर रस्सी के जरिए मिट्टी से भरे थैले दीवार से बाहर फेंक दिए और नवाब नौरोज़ ने अपने 2 साथियों समेत फरार होने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान जेल के गार्ड ने उनको देखा और फायर खोल दिया, लेकिन नवाब और उनका एक साथी दीवार फलांगने में कामयाब हुए जबकि एक साथी कामयाब ना हो सका। जेल के करीब घने जंगल थे जिनसे वो रात की तरीके में निकलने में कामयाब हो गए और वो वहाँ से जैकबाबाद पहुँच गए। बाद में ऊँटों पर सफ़र करके अपने आबाई ज़िले खुजदार के इलाके मौला पहुँच गए।
नवाब नरोज और उनके साथी के मुताबिक अंग्रेज़ नवाब के जेल से फरार होने और उनकी सरगर्मियों से खाइफ थे। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं वो उनके लिए नया महाज न खोल दें। इन खदशात के पेश नज़र अंग्रेज़ ने नवाब से मुफामहत और सुलह का रास्ता अख्तियार किया। नवाब ने हिकमत अमली के तहत सुलह पर आमादगी का इजहार किया, जिसके बाद अंग्रेज़ ने उनकी जब्त शुदा जायदादें वापस कर दी। अंग्रेज़ों ने उन्हें उनके भाई रसूल बख्श की जगह जहरी कबीले की सरदारी की पेशकश की, जिसे मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनके दरमियान एक नई खाना जंगी की इब्तदा होगी। 2 साल तक नवाब खामोश रहे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सरदार रसूल बख्श को गिरफ्तार किया तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपने दोस्त अली दोस्त बलोच के हमरा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को मरासला लिखा कि अगर रसूल बख्श को 7 दिन के अंदर रिहा नहीं किया गया तो वह हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अंग्रेज़ों ने सरदार रसूल बख्श को रिहा किया, लेकिन साथ में उनसे वादा लिया कि वह नवाब नरोज ख़ान को कोयटा लाएँ। सरदार रसूल बख्श जब नवाब नरोज को कोयटा ले जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने और उनके साथियों ने कोयटा जाने से इनकार कर दिया। इनकार के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब नरोज ख़ान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और एक मरतबा फिर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू की। क़याम पाकिस्तान से कबल बलूचिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। कोयटा, चागी, बुलान, सिब्बी और नसीराबाद के अलावा डिरिड लाइन तक बराह रास्त अंग्रेज़ों की अमलदारी में थे, जो कि ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाते थे। इन इलाकों को अंग्रेज़ों ने खान ऑफ कलात से लीज़ पर हासिल किया था, जबकि बाकी इलाके रियासत कलात का हिस्सा थे और खान ऑफ कलात की अमलदारी में थे। किताब के मुताबिक नवाब नरोज खान अपने जदोजहद और किरदार की वजह से इलाके के काबिल एहतराम शख्सियात में शामिल थे, जिस पर उनको रियासत कलात में ऐवान बाला दारुल अमराह का रुकन मुंतखब किया गया, जहाँ उन्होंने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ इलहाक की मुखालफत की। इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में इन्हें खान किलात मीर अहमद यार खान ने तलब किया तो किलात के लिए वो एक बड़े लश्कर के हमरा निकले थे। नवाब नरोज खान किलात से मुलाकात के बाद जब वापस अपने इलाके की जानेब रवाना हुए तो खान ऑफ किलात को गिरफ्तार किया गया। खान ऑफ किलात की गिरफ्तारी के बाद नवाब नरोज खान की एक और बगावत। प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी के मुताबिक 1 यूनिट के खिलाफ पहले ही बलूचिस्तान में बेचैनी थी और उसके बाद जब खान ऑफ किलात को गिरफ्तार किया गया तो ये बेचैनी बढ़ गई। खान ऑफ किलात के ख़ानदान ने 300-400 साल से ज़ायद अरसे तक बलूचिस्तान में हुक्मरानी की थी। लोग उनको अपना बादशाह मानते थे। प्रोफेसर मरी का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद खान ऑफ किलात को लाहौर मुंतकिल किया गया। उस वक्त आमदोरफ्त के ज़राए ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से लाहौर इतना दूर लगता था जैसा कि आज कल यहाँ से लंदन। उन्होंने बताया कि खान ऑफ किलात के बाद मुसल्ला बगावत शुरू हुई। एक तरफ ये झालवान में थी, जबकि दूसरी तरफ मशरकी बलूचिस्तान में कोलू और डेरा बुकटी तक फैल गई। इस दौर में अयूब खान अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने फ़ौज और फ़ज़ाइया का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर मरी के मुताबिक चूंकि उस वक्त फ़ौज की गुरीला वारफेयर से निपटने की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए वो इससे जल्दी नहीं निपट सकी। उन्होंने बताया कि नवाब नरोज का ये मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म करके बलूचिस्तान की हैसियत को बहाल किया जाए और खान ऑफ किलात को रिहा करके उनको इज्जत व मुकाम दिया जाए। डॉक्टर शाह मोहम्मद ने बताया कि उस वक्त यहाँ जंगी असूल नहीं थे, एक वहशत तारी थी, लेकिन हर किस्म की ताकत के इस्तेमाल के बावजूद ये लड़ाई 1 साल तक चलती रही। फिर जब ये देखा गया कि ताकत के इस्तेमाल के बावजूद मामलात काबू में नहीं आ रहे तो मुज़ाकरात के नाम पर एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसको बलोच नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। किताब नरोज खान और उनके साथियों में लिखा है कि ब्रिगेडियर रियाज हुसैन, जो कि उस वक्त ऑपरेशन के कमांडर थे, मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर ज़ोर देते हुए वादा किया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ कामयाब मुज़ाकरात और समझौते के नतीजे में सुराबता लसबेला एक नई रियासत तश्कील देकर उसे नवाब नरोज के मातहत किया जाएगा और उनकी हैसियत एक बाख्तियार हाकम यानी नवाब ऑफ मकरान के बराबर होगी और मुकामी इंतज़ामिया और दीगर रियासती अमूर उनके मातहत होंगे। जवाब में नवाब नरोज ने लिखा कि मैं बलूची रस्म व रवाज और तशख्स का सौदा हरगिज़ नहीं करूँगा। यह हमारी सरजमीन है जिसके टुकड़े करने के हक में मैं नहीं हूँ। नरोज खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है तो पहले अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, खान ऑफ किलात को फौरी तौर पर रिहा करे, हुकूमत किलात की हाकमियत बहाल करे और बलूचिस्तान के तमाम गिरफ्तार शुदा कैदियों को रिहा करे। हथियार डालने के लिए नवाब नरोज की शर्त यह थी कि अगर खान ऑफ किलात खुद आकर कहें तो फिर वो हथियार डाल देंगे। किताब के मुताबिक जब मरात की पेशकश के बावजूद नवाब नरोज खान बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक जिरगा नवाब नरोज के पास भेज दिया गया और जिरगे की गोद में कुरान को बतौर जामन रख कर भेजा गया कि वो इसकी ज़मानत पर पहाड़ों से उतर जाएं।
किताब के मुताबिक जब मुसल्ला कार्रवाइयाँ करने वाले नीचे आए तो उन्होंने कुरान को बोसा दिया और कहा कि हम इसका सदका उतारेंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। सरकारी वफद उनको मुसलसल कुरान का वास्ता देकर ये यकीन दिलाता रहा कि हुकूमत अपने वादे पर कायम है। डॉक्टर शाह अमरी ने कहा कि नवाब नरोज़ और बलोचों ने कहा कि जब कुरान को जामन बना रहे हैं तो उससे बढ़कर क्या जमानत होगी, इसलिए जब वो नीचे आए तो फिर हुकूमत अपने वादों से फिर गई और उनको गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मरी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इन्हें उन अजियत खानों में मुंतकिल किया गया जो कि जापानियों को टॉर्चर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाए थे। डॉक्टर शाह मरी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद नवाब नरोज़ खान समेत दीगर बड़ी तादाद में लोगों को कोयटा के कुली कैंप में मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि यह छोटी सी जगह है लेकिन इस वक्त जब नवाब नरोज़ खान को लाया गया तो उसमें 700 अफराद को रखा गया था। किताब में दावा किया गया कि मुसलसल 8 माह तक कुली कैंप में टॉर्चर के बाद उनको सेंट्रल जेल मच्छ मुंतकिल कर दिया गया। अगरचा इन्हें अपील का हक था, मीर गौस बख्श भुजंजो ने मारूफ कानूनदान ए ब्रोही को वकील किया लेकिन मार्शल ला हुकाम ने आम अदालतों में अपील दाखिल नहीं होने दी। ए ब्रोही जब बेबस हुए तो उन्होंने मशवरा दिया कि सजा याफ्तगान के वर्सा खवातीन की जानिब से अपील दायर की जाए। उन्होंने नवाब और साथियों से मशवरा लिए बगैर मार्शल ला हुकाम के नाम पर रहम की अपील दायर की लेकिन जब नवाब को इलम हुआ तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम अपनी खवातीन के ज़रिए हरगिज़ रहम की अपील नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट से इन्हें बड़ी उम्र की वजह से उम्र कैद जबकि बेटे समेत 7 दीगर साथियों को सजाए मौत दी गई और तमाम कैदियों को सखर और हैदराबाद जेल मुंतकिल किया गया। अपने बेटे समेत 7 अफराद के फांसी के 5 साल बाद नवाब नरोज़ 25 दिसंबर 1965 को हैदराबाद जेल ही में वफात पा गए। डॉक्टर शाह मरी के मुताबिक यूं नवाब नरोज़ खान की मौत ने जेल से आज़ादी दिलाई। डॉक्टर शाह मरी कहते हैं नवाब नरोज़ को हुकाम ने इस बात की इजाज़त दी थी कि वो लाशों के हमराह जेल के गेट तक जाएँ। शाह मरी ने इन बलोच और पश्तून ज़ोमा जो लाशों को लेने गए थे की यादाश्तों का हवाला देते हुए बताया कि वो इत्मीनान एतमाद और फ़ख्र के साथ जेल से बाहर आए, उनकी चाल में कोई कमज़ोरी नहीं थी। नवाब नरोज़ और उनके साथी में लिखा है कि जब लाशों को बाहर कतार में रखा गया तो बलोच अमायदीन के अलावा सिविलियन और फौजी हुकाम भी मौजूद थे। जेल सुपरिटेंडेंट नवाब नरोज़ खान के पास ताज़ियत करने आए और कहा कि आपके बेटे और साथियों को फांसी हुई है, तो नवाब नरोज़ खान ने फांसी पाने वाले अपने बेटे के मूंछों को ऊपर करते हुए कहा कि सिर्फ पटे खान नहीं बल्कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये मरे नहीं बल्कि इनकी शादी है, मरे वो लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद पर फैसला करने के बाद उनके साथ धोखा किया। दिसंबर 1965 को हैदराबाद जेल में वफात पाने के बाद उनकी लाश की भी कलात में फांसी पाने वाले 7 अफराद के साथ तदफीन की गई। उन्होंने हैदराबाद जेल में भी माफ़ी की पेशकश को मुस्तरद किया। नवाब नरोज़ और उनके साथी नामी किताब के सफ़ा नंबर 72 पर हैदराबाद जेल के उस वक़्त के सुपरिटेंडेंट राशिद सईद के तासरात दर्ज हैं। राशिद सईद के हवाले से किताब में कहा गया है कि आखिरी दम तक ये कहा गया कि तुम माफ़ी मांग लो, हम न सिर्फ तुम्हारी सरदारी और जागीरदारी बहाल कर देंगे बल्कि तुम्हें और तुम्हारे बेटों को आज़ाद करेंगे, मगर वो भी धुन के पक्के थे। उन्होंने ये पेशकश ये कहकर रद्द कर दी कि अगर मेरे मौला की तरफ से यही लिखा है तो ये मुझे मंजूर है। किताब में फांसी पाने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदार गोहर खान जरकजई के हवाले कहा गया है कि उन्होंने कोयटा से मुतसिल ज़िला मस्तौंग के डिप्टी कमिश्नर ने ये इतला दी कि 15 जुलाई को उन अफराद को फांसी की सज़ा दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप लोग लाशों को हैदराबाद ही में दफना दें क्योंकि यहाँ उनको लाने से अमन व अमान का मसला होगा। गोहर खान जरकजई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के इस इतला पर वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए और दूसरे अफराद के हमराह सीधे जेल गए। फांसी के बाद एहतजाज के ख़तरे के पेश नज़र लाशों को बलूचिस्तान ले जाने के लिए हवाले नहीं किया जा रहा था लेकिन तालपुर ख़ानदान के मायदीन की मदाखलत पर लाशों को हवाले किया गया। गोहर खान के मुताबिक फांसी के बाद 7 अफराद की लाशों को लेकर हम बलूचिस्तान की जानब रवाना हुए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तदफीन के बाद इन अफराद को किलात लाया गया जहां शाही कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। इन अफराद को कब्रों पर तवील अरसे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा रहा।